जाखल मंडी में 5 कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। रेलवे रोड पर कंटेनमेंट जोन बनाए जाने पर, रोड की सील करने पर दुकानदारों ने प्रशासन के प्रति जताई नाराजगी। जाखल में कोरोना पॉजिटिव के 5 मामले आने पर जहां मंडी वासियों में हड़कंप मच गया है, वहीं स्थानीय प्रशासन ने 5 एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया और एरिया को सील कर दिया है। जाखल के रेलवे रोड को सील करते समय दुकानदारों व प्रशासन के बीच काफी समय तक वार्तालाप हुआ। प्रशासन ने जिस जगह तक एरिया सील किया है उसमें दुकानदारों ने नाराजगी जाहिर की है। विकास कामरा ने बताया है कि पहले 2 माह से अधिक समय के लिए दुकानें बंद रहीं। ये जो मार्केट में कोरोना पॉजिटिव मामला आया है 2 रोज पहले ही बाहर से आया है, उसका खामियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि सभी दुकानदार बैकफुट पर जा रहे हैं, दुकान कर काम करने वाले कर्मचारियों को भी तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। प्रशासन ने आज उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से मांग की है कि यहां पर लगाई गई सील को हटाया जाए। वहीं नायब तहसीलदार रामचंद्र ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बताने के मुताबिक एरिया सील किया गया है। जिंदल रोड पर 100 मीटर का एरिया सील करने के सवाल का जवाब देते हुए रामचंद्र ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन से ही उसे सील किया गया है। उसका तो सर नक्शा था, उसके बाद वहां पे ऑप्शन नहीं है, आपका वहां ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है पीछे गली है जी, ऑप्शन नहीं देता। जो कंटेनमेंट जोन बन गया वो हमने लागू करना पड़ेगा। एक और है जी, वहाँ तो उनके परिवार में था, यहाँ तो मोहल्ला नहीं है, जिसमें मोहल्ले में बच्चा घूम रहा हो, तो दिल्ली से आके यहाँ खड़े हो गए, यहाँ पे टेस्ट करा लिया। क्यों चार्ज करना बंद करो, सोनीपत से आया बंदा यार, उसको उठाओ ना, अपने परिवार को उठाओ। जिंदर रोड खड़ी हो रही है, जिंदर रोड हो रही है तो आप किसी दिन बर्बाद करके होगी ना, यहाँ भी वो तो यहाँ भी निकला के राजी है, तो जिंदर रोड भी निकला के राजी है। टाइम कटा दो, उसका करो, लकड़ी का काम हटाया, मैं करता हूँ। कहते जी यहाँ पे मार्केट बंद की जाएगी, हमने रिक्वेस्ट करी प्रशासन से भी मार्केट क्यों बंद की जाएगी। नगर पालिका में गए, वहाँ पर सेक्रेटरी साहब नहीं मिले, एमई साहब नहीं मिले, वो तो जाखल नगर पालिका का सबको पता ही है क्या हाल है, यहाँ पर अफसर की सुनवाई नहीं लेते अफसर। आज जब उसके बाद कहते हैं ये मार्केट बंद करने जा रहे हैं, हम मार्केट बंद करने के लिए तहसीलदार साहब के पास पहुँचे इकट्ठे होकर सारे, भी सर आप हमारे मजिस्ट्रेट हैं, आप हमारे मालिक हैं शहर के, ये मार्केट बंद करने से पहले हमारे से कोई रास्ता तो लिया जाए भी क्या करना चाहिए। हमने उनको एक बात ये भी कह दी, इस मकान के 2 रास्ते हैं, एक रास्ता पिछली गली से है कि यहाँ से है, आप प्लीज उस रास्ते को चला दीजिए बंद करके, लॉकडाउन जो भी आपका कानून के प्रति वो है, पर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। जिस हिसाब से मेन मांग क्या है आपकी? हमारी मेन मांग ये है सर, रखड़ी के 6 दिन रह गए हैं, मार्केट खुलनी चाहिए, बेशक एक है बेशक सारी है। नंबर 2, जब वो यहाँ पर रहते ही नहीं, वो परिवार यहाँ पर रहता ही नहीं है, वो आदमी अपने बच्चों को यहाँ पर 3 दिन पहले लेके आया, वो मार्केट में नहीं आती, वो यहाँ पर आके कोरोना टेस्ट करवाते हैं, पॉजिटिव निकलते हैं, तो मार्केट का क्या कसूर है? मार्केट खोली जाए, हमारी सीएम साहब से, हरियाणा सरकार से, एसएचओ साहब से, तहसीलदार साहब से, एसडीएमडी सारे से ये रिक्वेस्ट है, हमारा प्रशासन से कोई झगड़ा नहीं है। पर तहसीलदार की जो ये वर्डिंग थी, पहले कहते नक्शा भेज दिया गया है ऊपर वहाँ से, उसके 10 मिनट बाद यहाँ से नक्शा यहाँ भी पास होगा खड़े खड़े, यानी कि वो दोहरा मापदंड बना रहे हैं और जाखल मंडी के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमारी यही मांग है तहसीलदार को सस्पेंड करा जाए। सर बताएं, जो कंटेनमेंट जोन आपने बनाया गया है इसका क्या नक्शा और क्या कितने मीटर दायरा है? डॉक्टर साहब के दिशा निर्देश बना रखा है, ये डॉक्टर साहब ने बता रहे, 4 दुकान इधर 4 इधर दोनों साइड से, 4 दुकानें छोड़ गए और ये बनाया गया। आज से कुछ दिन पहले जिंदर रोड पे कोरोना आया था, वहाँ पर 100 मीटर का आपने क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, दिशा निर्देश दिया हम लोग, उस हिसाब से बना दिया। सर आज तक जाखल में कितने कोरोना के पेशेंट आ चुके हैं? आज 5 आए, 500 के कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं।